हेलो गाइस, वेलकम टू एडअप। तो आज मैं आया हूँ आपको एक ट्रिक बताने के लिए, ठीक है। तो ट्रिक इस बात की नहीं है कि आपको क्वेश्चन कैसे जल्दी सॉल्व करनी है, ट्रिक इसके लिए है कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे अटेंड करनी है, ठीक है। तो आजकल जितना कॉम्पिटिटिव हो चुका है एग्जाम्स, आप लोगों को पता ही होगा, आपका अगर स्पीड और एक्यूरेसी ये अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे आप, ठीक है। तो ये स्पीड और एक्यूरेसी के लिए हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, वी यूजुअली सर्च फॉर ट्रिक्स, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, ट्रिक्स आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी YouTube चैनल पर चले जाओ, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं आपको ट्रिक्स बताने के लिए, लेकिन आप कितनों के ट्रिक्स को फॉलो करोगे। एक टीचर वो अपना ट्रिक बताता है, दूसरा टीचर और एक ट्रिक बताएगा, ठीक है। तो आप किसके ट्रिक को फॉलो करोगे, तो बात वहीं पे है। दैट इज द पॉइंट कि आपको ट्रिक्स कैसे फॉलो करने हैं, किसके फॉलो करने हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है, ट्रिक्स इज अ काइंड ऑफ शॉर्टकट, और शॉर्टकट कभी भी लाइफ में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो ट्रिक्स एंड शॉर्टकट वो तभी काम आता है जब वो आप खुद बनाए होते हो, और किसी का फॉलो करोगे शॉर्टकट या ट्रिक्स तो आप फंस जाओगे, ठीक है, बीच में ही फंस जाओगे। क्योंकि आप इतने सारे ट्रिक्स को याद रखना है, एक वो एक्स्ट्रा काम आपके ऊपर आ जाएगा, लेकिन उसको आप घटा सकते हो, उसको आप कम कर सकते हो, कैसे, खुद का ट्रिक्स बना के, ठीक है। अब अपना खुद का ट्रिक्स आप खुद बनाइए, और वो कैसे होगा, वो होगा आपके रिपीटेड प्रैक्टिस। अब इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, आप अपना खुद का ट्रिक्स निकाल सकते हो, ठीक है। आज मैं आपको स्क्वायर्स का एक छोटा मोटा ट्रिक्स बताऊंगा, लेकिन वो ट्रिक्स आप खुद बना सकते हो। कैसे बना सकते हो मैं ये एग्जांपल देके समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, तो कहीं भी आप स्क्वायर का आप लेक्चर देखिए, तो वहां पे आपको पहले ये बताएंगे कि आपको एक से लेकर 30 या एक से 20 तक का स्क्वायर आपको पहले याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। चलो, अब आप अगर याद रख लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं रखे तब भी ठीक है, क्योंकि आप एक्स्ट्रा एफर्ट देके इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको तो ये इजीली पता होगा, एक से लेकर 10 तक का स्क्वायर, ये आपको बहुत आसानी से ये पता होगा, ये आप स्कूल से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 36, 49, 64, 81, 100, ठीक है। अब इतना तक ये सबको पता होता है, बस हो गया। अब इतने ही स्क्वायर्स को लेकर आप दुनिया भर का हर स्क्वायर निकाल सकते हो, कैसे, ये सब था एक डिजिट के। अब मैं दो डिजिट का कोई भी एग्जांपल लेता हूं, देखिए 12 का स्क्वायर अगर आपको निकालनी है, ठीक है, आपको 1 का स्क्वायर पता है, आपको 2 का स्क्वायर पता है, आपको दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी पता है, 2 1 2, और एक चीज इसका डबल करना है।
तो ये मल्टीप्लीकेशन आपको पता है, 1 का स्क्वायर पता है, 2 का स्क्वायर आपको पता है, अब क्या करना है, बस ऐड करना है। कैसे ऐड करोगे, देखिए तो 2 का स्क्वायर आपको पता है 4, ठीक है 4 लिख लिया। अब 1 का स्क्वायर 1 2, ये हमेशा ये इसको आप फर्स्ट स्टेप में रखिए, इसको सेकंड स्टेप में रखिए, इसको थर्ड स्टेप में रखिए। तो पहले आपको 2 का स्क्वायर निकालना है, 4 सिंगल डिजिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 लिखिए। फिर आ गया ये सेकंड स्टेप, दोनों डिजिट्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका डबल लेना है। तो 2 1 2 2 2 4, वो भी सिंगल डिजिट है, तो 4 लिख लीजिए। अब बचा 1, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 तो 144 हो गया 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब और एक एग्जांपल लेते हैं 29 का, ठीक है। आपको 9 का स्क्वायर पता है, 9 स्क्वायर इज 81, आप उसके यूनिट प्लेस में 1 है तो 1 लिख लिए, 8 को आप साइड में रखिए, ठीक है। आप दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये सेकंड स्टेप है आपका, तो दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 9 18 18 2, उसका फिर डबल करना है, तो 18 2 36 36 36 प्लस 8 इज 44, तो 44 का 4 डिजिट आप यहाँ रखिए। अब बचा कितना, 4। 2 का फिर बचा थर्ड स्टेप, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 4 इज 8, 841 इज द स्क्वायर ऑफ 29। तो यहाँ पे बात क्या है, ये एक ट्रिक था, लेकिन ये ट्रिक आया कहां से, ये ट्रिक कहां से आ रहा है, देखिए एक सिंपल सा बात है यहाँ पे। अब 29 का देखिए, यू कैन राइट 29 एज 20 प्लस 9 होल स्क्वायर, 29 स्क्वायर को आप 20 प्लस 9 होल स्क्वायर लिख सकते हो, और a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर इज 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, प्लस 2ab, 2 9 18 18 × 20 360, प्लस बी स्क्वायर 9 का स्क्वायर होता है 81, तो इसको ऐड करोगे कितना आएगा 148 आ गया सेम। तो इसी फॉर्मूले को रिड्यूस करके ये ट्रिक्स बनाया गया है, ये वाला ट्रिक बनाया गया है। तो आपको अगर ये कंफर्टेबल लग रहा है तो आप ये कीजिए, अगर आपको ये कंफर्टेबल लग रहा है तो आप ये कीजिए। कंफर्टेबल का मतलब है कौन से मेथड से आप जल्दी कर रहे हो, ठीक है, और वो कैसे पता चलेगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें जो ये मेथड को जिन लोगों ने प्रैक्टिस अच्छे से किया है वो लोग जल्दी करेंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है। मैं समझाते वक्त ये थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये आप जब दिमाग में कैलकुलेट करोगे तो वो और भी जल्दी होगा, ठीक है। मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, का स्क्वायर निकालना है, तो मैं पहले वो मेथड से करता हूं, ठीक है। पहले 6 का स्क्वायर होता है 36 का आप यूनिट प्लस का डिजिट लिख लिया, 6 बचा क्या 3, फिर दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, 8 6 48 48 2 96, ठीक है, तो 96 प्लस 3 हो गया 99, उसका यूनिट प्लस का डिजिट आप यहां लिख लिए, और 9 बचा तो इसको यहां रखिए, और 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 9 हो गया 73, बात खत्म, ठीक है। बस इस चीज को आपको जल्दी जल्दी करना है, तो 73 मैं दूसरे मेथड से करता हूं, वो दूसरा मेथड नहीं, वो सेम मेथड है, थोड़ा उसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। तो 86 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 80 प्लस 6 होल स्क्वायर, 80 का स्क्वायर होता है 6400 प्लस 2ab होता है 2 × 80 = 160, 160 × 6 960 प्लस 6 36, ठीक है। तो ऐड कीजिए इसको
7696। तो थोड़ा यहाँ पे गलती हो गया, सॉरी, इस एडिशन में ही गलती हो चुकी है। तो ठीक है, तो एडिशन गलत था, ठीक है, सेम आंसर आया। तो बात ये है कि आप ट्रिक्स खुद निकाल सकते हो। पहले आप जब प्रैक्टिस शुरू कर रहे हो, आप बिगिनर लेवल में हो, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, करना शुरू किया हो, तो पहले क्या करो, इस मेथड में करो, ठीक है। धीरे धीरे आपके दिमाग में आ ही जाएगा कि इस मेथड को आप जल्दी कर सकते हो अगर उसको थोड़ा शॉर्ट किया जाए, ठीक है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसमें से डिराइव हुआ है ये ट्रिक, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मुझे ये ट्रिक अप्लाई करना है, समझ रहे हो। तो बात यही है कि आप पहले ट्रेडिशनल मेथड में सॉल्व कीजिए। जो भी पहले प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं उसको मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप पहले ट्रेडिशनल वे में सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस को, ठीक है, उसमें आप मास्टर बन जाइए, ठीक है। तो एक बार उसमें मास्टर कर लिए तो आपको अपने आप ये ट्रिक्स समझ में आने लगेंगे, ठीक है। आप कहीं से भी सुनिए वो ट्रिक्स, कोई भी यूट्यूब चैनल से सुने होंगे, अपने दोस्तों से सुने होंगे, कोई भी कोचिंग सेंटर आप जा रहे हो वहां से आपको पता चल गया होगा ये ट्रिक, तो ये ट्रिक आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि मैं इसको ही आप जल्दी कर रहे हो यूजिंग दिस शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आप ऐड कर रहे हो, पहले मैं यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 किया था, तो 36 का यूनिट प्लस यहाँ पे लिखा, तो 36 का 6 यहाँ पे आ रहा है, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 96 में, सॉरी ऐड हो रहा है 96 में। ये 96 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से 26 सा 12, 12 8 जा 96, तो 96 यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया 96, तो 96 प्लस 3 हो गया 99, उसका 9 बचा यहाँ पे। अब वो 9 64 में ऐड होगा, ठीक है। मैं इसको अगर नीचे लिखूंगा 6400960 36, तो 6 यूनिट प्लेस में 0 ही है, तो बस 6 आप लिख रहे हो यहाँ पे। यहाँ पे इसका जो 10th प्लेस था 3, इसका 10th प्लेस को आप इसके यूनिट प्लेस के साथ ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे वही चीज आप डायरेक्ट कर रहे हो जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग 2 8 16 16 6 96, ठीक है। तो वो 96 का 3 के साथ ऐड हो रहा है, तो वो हो गया 99 का 9 रहा। अब वो 9 आप 64 के साथ ऐड कर रहे हो, तो 64 कहां से आ रहा है, 8 8 64, समझ गए। तो आप ट्रेडिशनल वे में जाइए, आपको ट्रिक्स अपने आप समझ में आने लगेंगे, ठीक है। चलिए अब 3 डिजिट का देखते हैं। 3 डिजिट का एग्जांपल ले रहा हूँ, 203 का स्क्वायर निकालना है। इसमें क्या करना है आपको, वहां पे 2 डिजिट में क्या कर रहे थे आप, यूनिट प्लेस को रख रहे थे यहाँ पे लिख रहे थे, और 10th प्लेस को आपको यहाँ पे होल्ड में रखना था, ठीक है। पर यहाँ पे क्या करना है, 2 डिजिट्स को रखने हैं। देखिए तो पहले तो यहाँ पे 03 को एक मैं प्लेस ले रहा हूँ, 2 को एक प्लेस ले रहा हूँ, ठीक है। तो 03 का स्क्वायर हो गया 09, ठीक है। अगर 03 का स्क्वायर है 9, ठीक है, मुझे 2 प्लेस रखने हैं, तो मैं क्या किया, इसके पहले एक 0 लिख लिया। अब 2 का स्क्वायर हो गया 4, बीच में रहेगा डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन इंटू 2, तो 2 सा 4, 4 3 सा 12, सबको मिला के लिखने से 41209, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 203। देखिए 203 को मैं लिख सकता हूँ 200 प्लस 3 होल स्क्वायर, 200 का स्क्वायर हो गया 40000 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 2ab, 2 2 400 इंटू 3 1200, तो इसको ऐड करोगे तो आएगा 41209, समझ गए। तो ये भी ट्रिक कहां से आया, ये इस डेरिवेशन से, प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, ठीक है। तो पहले आपको ट्रिक समझ में नहीं आएंगे, तो आपको क्या करना है, आपको करना है
आपको पहले ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करना है, धीरे धीरे आपको ट्रिक्स को अंदर लाना है। आप अगर पहले से ही जबरदस्ती ट्रिक्स को याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा क्वेश्चंस अटेंड करते वक्त, क्योंकि बहुत टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और आपको पता नहीं चलेगा कौन सा ट्रिक कहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, तो यही एक एडवाइस है। मैं और एक 3 डिजिट का करके दिखाता हूँ। थ्री हंड्रेड ट्वेल्व का स्क्वायर क्या करना है, मैं ये दोनों को एक प्लेस ले रहा हूँ, 3 को एक प्लेस ले रहा हूँ। 12 का स्क्वायर हो गया 144। डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, 2, 3 जा 6, 6, 12 जा 72, 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब यहाँ पे देखो दो डिजिट्स रखने हैं, इसको होल्ड कर इसको ऐड करना है इसके साथ, तो हो गया 44, 1 ऐड हो गया 72 के साथ, तो हो गया 73, 9, 9, 7, 3, 4, 4। ठीक है, मैं दूसरे मेथड से करता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 300 प्लस 12 होल स्क्वायर। 300 का स्क्वायर हो गया 9000 प्लस 12 का स्क्वायर हो गया 144। 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 AB 2 300 600 600 into 12 7200। ठीक है, इसको ऐड करो 4 4 3 7 9, तो 9 7 3 4 4 9 7 3 4 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो डिजिट रह रहे हैं, थर्ड डिजिट इज गेटिंग एडेड विद 72। तो वही हम लोग ये थर्ड डिजिट को 100 प्लेस में जो डिजिट है उसको हम ऐड कर दिए 72 के साथ, तो वो हो गया 73, फिर आया 9। तो वो ट्रिक यहीं से आया है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो मुझे वही बोलना था, वही एडवाइस है मेरा कि आप पहले ट्रेडिशनल वे में कीजिए, ट्रिक्स आपको अपने आप पता चलने लगेगा। ठीक है, और मैं आया था यही बताने के लिए कि ट्रिक्स और ट्रेडिशनल वे में ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, ट्रिक्स डिराइव हुए हैं वही ट्रेडिशनल मेथड से ही, तो ट्रेडिशनल मेथड को पहले आप सीखिए, उसके अंदर का कॉन्सेप्ट समझिए, फिर आप ट्रिक्स में जाएंगे। समझ रहे हो? तो इसका एक डिटेल क्लास रश्मिता मैडम लाएंगे बहुत जल्दी। मुझे बस इतना बताना था और ये अनाउंसमेंट करना था कि हमारा एप्टिक क्लास भी शुरू होगा। रीजनिंग शुरू हो चुका है, रीजनिंग को हम लोग शॉर्ट वीडियोस बना के ट्रिक्स के वजह से हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए मेरे हिसाब से रीजनिंग के लिए ट्रिक्स चाहिए, लेकिन मैथ्स एप्टीट्यूड के लिए आप ट्रेडिशनल मेथड्स को पहले अप्लाई कीजिए, फिर ट्रिक्स अप्लाई करना। ठीक है, क्योंकि मैथ्स आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देंगे और कौन से वैरायटी में कौन सा ट्रिक अप्लाई करना है वो आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है। तो पहले मैथ्स के पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए, फिर आगे जाइए, फिर ट्रिक समझिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और डिटेल क्लास रश्मिता मैडम एक अलग से वीडियो में लाएंगे बहुत जल्दी। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और एक बात के और एक इम्पोर्टेंट चीज होता है एग्जाम में, कोई भी नॉन टेक्निकल एग्जाम में, बैंकिंग हो, एसएससी का हो, कोई भी हो, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्ट्रेटेजी। क्योंकि ऐसे भी बच्चे होते हैं उनको सब पता होता है, सारे कॉन्सेप्ट आते होंगे, लेकिन वो स्ट्रेटेजी के साथ नहीं जाते, उनको स्ट्रेटेजी पता नहीं होता है। तो क्या होता है, तुम स्ट्रेटेजी के साथ अगर नहीं जाओगे तो जितना भी ट्रिक्स आप याद कर लो, जितना भी कॉन्सेप्ट आप याद कर लो, आपको कौन से क्वेश्चन को पहले करना है, कौन से क्वेश्चन को स्किप करके जाना है, वो स्ट्रेटेजी आपको बनाने हैं। अगर आपको सब पता है लेकिन एक क्वेश्चन कुछ एग्जाम में एग्जामिनर जानबूझ के एक दो क्वेश्चन आपको लेंथी दे देगा, ठीक है, आप स्ट्रेटेजी के साथ नहीं गए हैं,
आपको क्या लग रहा है आप सब कर सकते हो, ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन वो लेंदी है क्योंकि एग्जामिनर उसको लेंदी बनाया हुआ है जानबूझ के। तो आप 5 क्वेश्चन कर लिए, फिर एक लेंदी क्वेश्चन आया और आपको लग रहा है आप वो कर सकते हो, तो आप उसमें उसको करने लग गए। जब आप उसको करने लग जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा वहां पे, और आप लास्ट में अगर 30 क्वेश्चन हैं तो आप 20 क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आप उस लेंथी क्वेश्चन को स्किप कर लियो तो आप 30 में से 29 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो आपको ट्रिक्स के साथ साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ क्या चाहिए, स्ट्रेटेजी बनानी है। अगर स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे तो ये यहीं पे फंस जाओगे, ठीक है। जितना भी कॉन्सेप्ट आ रहा हो आपका टाइम वेस्ट होगा, आप 29 की जगह सिर्फ 20 क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है। तो बात यही है कि ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट्स वो अलग जगह है, स्ट्रेटेजी एक अलग जगह है। तो पहले तो पहला स्टेप है आपका, ट्रेडिशनल मेथड्स को समझिए, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर ट्रिक्स समझ में आ जाएगी, आप अपने आप ट्रिक्स समझ में आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले 4, 5, 10, 15, 20 जितना भी हो सके टेस्ट सीरीज देना है, कोई भी सैंपल टेस्ट सीरीज आपको देना है। तो उससे क्या होगा, आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो, आपको वीकनेस कहाँ पे है आपको पता चल जाएगा, और उस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो, ठीक है। सब कोई परफेक्ट नहीं होता है, उनका कहीं ना कहीं एक वीकनेस होगा, और उस वीकनेस, उस वीक पॉइंट को आपको स्किप करना है एग्जाम में। वो अगर पता चल गया आप कहाँ स्किप करना है, आपको कहाँ स्किप करना है एग्जाम में, तो आप कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और एक बात के आप अगर ट्रिक, ठीक है आपको ट्रिक्स मिल रहे हैं, आप ट्रिक्स समझ रहे हो, लेकिन बात यह है कि एग्जाम में अगर आप देखोगे, जो कोई एग्जाम दे चुके हैं उनको पता होगा, एग्जामिनर 2, 3 या 5, ठीक है, 3 सेक्शंस होते हैं। एक इंग्लिश का होता है, बैंकिंग का बात कर रहा हूँ, एक इंग्लिश का होता है प्रीलिम्स में, और एक एक्टिव होता है, और एक आपका रीजनिंग होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, एक्टिव हो या रीजनिंग और इंग्लिश, मैं उसको आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर जानबूझ के 1 या 2 क्वेश्चंस आपको ट्रिकी पता डाला होगा वहां पे। ये तो आजकल प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, इसलिए कंपटीशन ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स में भी कॉम्पिटिशन होता है। तो बात वही है, बात आपको समझना है कि ये जो ट्रिकी क्वेश्चंस को पकड़ने हैं आपको, फॉर एग्जाम्पल इसमें 2 ट्रिकी क्वेश्चन, इसमें 2 ट्रिकी क्वेश्चन, इसमें 3 ट्रिकी क्वेश्चन है, तो यहीं पे आपको अप्लाई करना है ट्रिक्स। बाकी सारे क्वेश्चंस आप ट्रेडिशनल वे में बहुत जल्दी कर सकते हो, और वो अगर वो उस ट्रेडिशनल मेथड्स को आप बार बार प्रैक्टिस किए हो तो वो आपके लिए शॉर्टकट बन चुका होगा, ठीक है। तो ट्रिक्स बस यही कुछ इन कुछ क्वेश्चंस में ही अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप सर पटक के अगर सारे ट्रिक्स याद करने लगोगे तो आपको आप अपना खुद का जो ट्रेडिशनल मेथड उसको भूल जाओगे, ठीक है, उसमें आपको प्रॉब्लम होने लगेगा, क्योंकि आप ज्यादा दिमाग लगा रहे हो बस ये 2, 2, 4, 3, 7 क्वेश्चंस के ट्रिक में ट्रिक्स अप्लाई करने के लिए, समझ रहे हो। तो ट्रिक्स इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज आप जिस मेथड से भी कीजिए उसमें आप कंफर्टेबल हो और उसको आप जल्द से जल्द कर पा रहे हो कम टाइम में, ठीक है।